अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज एसी सर्किट्स इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का हमारा सेकंड लेक्चर है आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से जो कि एक नंबर वाले सवाल होते हैं ओके तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर पहला सवाल है मकसफ़ी मतामलीत यानी कैपेसिटी रिएक्टर्स जो है वो क्या होता है उसकी तारीफ बयान करना है आप देखिए कैपेसिटी और रिएक्टर्स का सीधा साधा मतलब होता है वो रुकावट जो कैपेसिटर पेश करता है जब आप कोई मुतबादिलकी रो मुतबादिल बरकी रो मतलब ए सी करंट जब आप किसी ए सी करंट को कैपेसिटर में से गुजारते हैं तो वो कैपेसिटर जो है वो उस ए सी करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है वो जो रुकावट या वो जो मुखालफत कैपेसिटर के तरफ से आती है ए सी करंट के रास्ते में उससे हम कहते हैं कैपेसिटी रिएक्टन्स यहाँ पर हम उसकी दो अलग अलग तरीक़ों से उसकी तारीफ बयान कर सकते हैं जैसे पहली तारीफ जो है वो इस तरह से हो सकती है कि किसी भी मकसफे के अंदर कोई भी कैपेसिटर के अतराफ़ जो हम ई एम एफ लगाते हैं तो उस ई एम एफ़ की आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्र वैल्यू और उसमें से गुजरने वाला जो करंट है उसमें से गुजरने वाले बरकीरो की आर एम एस वैल्यू इन दोनों का जो तनासुब होगा उसे हम कैपेसिटी रिएक्टन्स कहते हैं ओके ये इसकी पहली तारीफ है इसकी दूसरी तारीफ इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट है तो उसमें कैपेसिटर की तरफ से बरकी रो के रास्ते में जो मुखालफत पाई जाएगी जो जो रेजिस्टेंस उसके अंदर पैदा होगा उसे हम मकसफ़ी मतमलीत या कैपेसिटी रिएक्टेंस कहते हैं आमतौर पर हम उसको एक्स सफिक्स सी से ज़ाहिर करेंगे और उसका जो फार्मूला है वो ये होता है इस तरह से एक्सी इज़ इक्वल टू तो वन अपॉन टू पाई एफ सी यहाँ पर एफ़ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी सोर्स यानी जो ई एम एफ आपने लगाए हैं या जो करंट आप गुजारना चाहते हैं उसका जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है तो वो एफ है ओके ये था हमारा आज का पहला सवाल चलिए चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है सवाल नंबर दो टेन माइक्रोफेरेट गुंजाइश वाले एक मकसफ़े को एटी वन मिली हेनरी अमालियत वाले एक अमालागर के साथ जोड़ा गया इस बर की दौर की आज़ाद एहतजाज़ की जावियाई तवात क्या होगी ओके आप देखो यहाँ पर इस मरतब आपको एक एल सी सर्किट दिया हुआ है ओके एल और सी यानी इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है तो और उसकी आपको तवार मालूम करना है जावियाई तवातर मालूम करना है तो देखो सबसे पहले सी इज़ इक्वल टू यानी जो चीज़ें दी गई है पहले हम उसको लिख लेंगे तो आप देखो कि कैपेसिटी दी गई है टेन माइक्रोफेरेट माइक्रो को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो टैन का पावर माइनस सिक्स हो जाएगा तो इस तरीके से हमको यहाँ पर कन्वर्शन में टेन माइक्रो फेरेट की वैल्यू आ जाएगी टेन इंटू टेन का पावर माइनस सिक्स फेरेड फिर जो ज़ाती अमालियत यहाँ पर दी गई है इंडक्टर की वो है एटी वन मिली फेरेट तो यहाँ पर यह हो जाएगा एटी वन इंटू मिली का मतलब होगा टेन का, का पावर माइनस थ्री और ओमेगा मालूम करना है चलिए शुरू करते हैं आप देखिए सबसे पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है गुमक तवािर उसकी वैल्यू उसका फार्मूला होता है एफ़ इज़ एक टू वन अपॉन्ट टू पाए अंडर रूट एल इन टू सी अब आप टू पाए को उधर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा टू पाए एफ़ इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट एल सी लेकिन आपको पता है कि टू पाए एफ़ जो है वो फ्रीक्वें वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इसलिए उसकी जगह पर आप ओमेगा ले सकते हैं तो यह आएगा ओमेगा इज ईक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी अब आप इसमें एल और सी की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दो जैसे आप इसके अंदर एल और सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल की वैल्यू जो है आ, हमने एल और सी की वैल्यूज़ इसके अंदर ला रख दिए अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करो आप देखो टेन का पावर माइनस थ्री और टेन का पावर माइनस सिक्स ये हो जाएगा टेन का पावर माइनस एट ओके और इसमें एक टेन ये वाला है तो ये टेन का पावर प्लस वन हो जाएगा तो इस तरह से इनका सबका आंसर आएगा टेन का पावर माइनस एट यानी एटी वन इंटू टेन का पावर माइनस एट इनको रूट से बाहर निकालेंगे इसके रूट ऑफ एटी ये हो जाएगा नाइन और इसके रूट ऑफ़ टेन का पावर माइनस एट जो है वो बन जाएगा टेन का पावर माइनस फोर अब आप एक काम करो टेन के पावर माइनस फ़ोर को ऊपर शिफ्ट करो वो टेन का पावर प्लस फोर हो जाएगा तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा ओमेगा इज़िकल टू तो वन इंटू टेन का पावर फोर अपऑन नाइन अब टेन का पावर फोर जो है एक्चुअली वो है दस हज़ार ओके तो यानी आप चाहो तो इसको इस तरीके से टेन दस हज़ार के रूप में लिख सकते हैं तो दस हज़ार और डिवाइडेड बाय नाइन जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा वन पॉइंट वन वन इंटू का पावर प्लस थ्री रेडियन पर सेकंड ओके तो ये है हमारा आज का आ, सेकंड क्वेश्चन चलिए और आगे बढ़ाते हैं अगला सवाल सवाल नंबर तीन मुतबादल बरकी दौर एसी सर्किट की मुतकावियत यानी एम्पिडेंस जिसको जैड से ज़ाहिर करते हैं उसके लिए मसावात लिखना है यानी यहाँ पर मसावत अखज़ नहीं करना है बल्कि डायरेक्ट लिखना है आप याद रखिए जब हम ए सी सर्किट की बात करते हैं तो ए सी सर्किट के अंदर एल सी आर सभी होते हैं तो इन तमाम लोगों का मिला जुला जो रेजिस्टेंस होता है इन सब का मिलाकर जो नेट रेजिस्टेंस जो पैदा होगा जो महासिल मज़ामत इस सर्किट के अंदर पैदा होगी क्या की वजह से आर की वजह से भी एल की वजह से भी और सी की वजह से भी यानी इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर ये तीनों मिलाकर जो मजमू तौर पर ओवरऑल जो रेजिस्टेंस पैदा करेंगे उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं उर्दू में उसके लिए वर्ड मुतकावियत इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है Z इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्र प्लस ब्रैकेट में है एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्र यहाँ पर आप देखिए कि एक्स एल जो है वो आ, अमाली मतलीत है मतलब इंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस या उसका रिएक्टेंस उसे रिएक्टेंस कहते हैं और एक्सी का मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब मकसफ़े की तरफ से जो रेजिस्टेंस पैदा होगा वो एक्सी है तो एक्सेल और एक्सी का डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे और उसको आर के स्क्वायर में ऐड कर लो और फिर बाद में रूट ले लो तो ये चीज़ होती है इम्पिडेंस का फार्मूला ओके तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं यहाँ पर आर का मतलब है लगाया गया रेजिस्टेंस एक्सेल का मतलब है अमाली मुतामलियत, एक्सी का मतलब है मकसफ़ी मुतामलियत। ओके चलिए चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है सवाल नंबर चार एल सी आर मुसलसल बरकी दौर में बरकी रो गुमक यानि करण रेजूनस के लिए क्या शर्त होती है मतलब आपको शर्त बयान करना है आप देखिए एक्चुअली ये सवाल का ताल्लुक जो है वह भी इसी पर से ये फार्मूले पर से जेड पर से करंट uh, रेजिस्टेंस अगर आपको लाना है तो जेड को आपको मिनिमम करना पड़ता है ओके okay, चलिए देखते हैं इसका जवाब हम किस तरह से लिखेंगे uh, इसमें सबसे पहली चीज़ आप याद रखो कि ऐसा सोर्स लगाओ ऐसा ई एम एफ का सोर्स लगाना है जिसकी तवातर ऐसी होना चाहिए नए फ्रीक्वेंसी एफ उसकी ऐसी वैल्यू हो कि एक्स एल और एक्सी इक्वल हो जाए ओके okay, अगर आपने एक्सएल और एक्ससी को इक्वल कर दिए एक्स एल इक्वल टू या एक्सी इज टू एक्स एल ऐसा अगर आप कर देते हैं तो इम्पिडेंस की जो वैल्यू बनेगी ये फार्मूले के मुताबिक जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर अब आप देखो एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हैं तो अगर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं तो फिर क्या होगा कि एक्सी की जगह पर आप एक्सेल ले लेंगे और एक्सएल माइनस बी जीरो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू आ जाएगा आर तो ये वो कंडीशन है मेन कंडीशन जिसको हम ये कहेंगे कि ये वो कंडीशन है जिसके अंदर करंट रेजिस जो है वो पैदा होता है ओके इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर एक और चीज़ आप जस्ट जनरल नॉलेज के तौर पे भी आप उसको याद रखो जो बार बार ज़रूरत पड़ेगी उसकी वो ये है कि जब ये हालत पैदा होगी मतलब जब भी ये रेजोनेंस पैदा होगा उस वक्त ई एम एफ और करंट ये दोनों लोग जो हैं ई एम एफ और करंट दोनों सेम फेज़ में होते हैं मतलब उनकी जो हैयत है वो बिल्कुल सेम होती है चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है कि एल सी मुतबाद मुतवाजी गुमकबर की दौर मतलब पैरल रेजोना सर्किट की कोई एक खासियत लिखना है आप याद रखिए यहाँ पर आ, तीन अलग अलग खासियतें लिखी गई हैं तीन में से आप कोई भी एक जो है वो एग्ज़ाम में लिख सकते क्योंकि आपसे एक ही एक ही खासियत जो है वो पूछी गई है तो आप देखो इसकी सबसे पहली खासियत ये है कि जब बरकी गुमक पैदा होता है बरकी रॉ का जब गुमक यानी करंट रेजिस्टेंस करंट रे, रेजोनेंस जब पैदा होता है उस वक्त एक्सेल और एक्सी इक्वल होते हैं तो ये पहली पहली खासियत होगी इसकी ओके दूसरी जो खासियत ये है वो ये है कि ये जो बरकी दौर होता है एलसी सी मुतबादिल बरकी दौर इसके लिए फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है वन पॉइंट टू पाए अंडर उट एल सी ओके फ्रीक्वेंसी रे यानी गुमक तो या रही है रेजोनस फ्रीकवेंसी इसका फार्मूला होता है एफ़ इज़ इक्वल टू या एफ सफिक्स आर इज़ इक्वल टू वन अपॉन टू पाए अंडर रूट एल सी और इसके बाद आप लोग एक और चीज़ याद रखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि गुमक की जो हालत होती है इसमें उस हालत के अंदर इम्पिडेंस की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाती है इसके अंदर और साथ ही साथ इसमें करंट की जो वैल्यू है वो भी मिनिमम होती है और जब करंट की वैल्यू यानी बरकी रोह की कीमत जब मिनिमम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई आउटपुट हासिल ही नहीं होता इसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ओके ये तमाम चीज़ें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हो रही है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो बिल्कुल रोकने का काम करता है उसको ब्लॉक कर देता है आप ये कह सकते हैं कि वो एक ख़ास तवातर को रिजेक्ट कर देता है यानी गुमक तवातर को रिजेक्ट करने का काम करेगा इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं और यही रीज़न है कि इसको फ़िल्टर के तौर पे भी यूज़ किया जाता यानी अगर हमको बहुत सारी अलग अलग तवातरों में से किसी एक तवातर को ब्लॉक करना हो तो हम जो सर्किट बनाते हैं फ़िल्टर सर्किट उस सर्किट में भी इस एल सी पैरल रेजोना सर्किट को ही यूज़ करते हैं ओके तो ये कुछ खसूसियात हैं इनमें से कोई एक आप, आपको लिखना है एग्ज़ाम में ओके चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है कि आधे चक्कर के दौरान यानी हाफ साइकिल में औसत बरकी रहो और आर एम एस बरकी के दरमियान क्या ताल्लुक़ होता है आप लोग देखो इस सवाल के अंदर आपको आधे चक्कर का जिक्र किए आधा चक्कर यानी आधा चक्कर का मतलब यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे इसको कि अगर मान लो आपने यहाँ पर एक वेव डायग्राम के हिसाब से अगर आप बात करें आप देखो ये इस तरह से ये वाले पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये निगेटिव हाफ साइकिल आप देख रहे हो कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही निगेटिव वैल्यू आएगी इसलिए जब आप इन सब का टोटल करोगे कंप्लीट साइकिल के लिए तो वो जवाब ज़ीरो आ जाएगा ओके यही रीज़न है कि ए सर्किट के अंदर या ए सी करंट्स की वैल्यू निकालते टाइम पर पूरे सर्किट पू, पूरा ओवरऑल चक्कर अगर लेंगे पूरा कंप्लीट साइकिल अगर आप लेंगे तो उसमें जो बरकी की जो औसत कीमत है वो ज़ीरो होती है इसीलिए जनरली सवाल आधे चक्कर के लिए ही पूछते हैं अब आधे चक्कर के लिए क्या होगा तो आधे चक्कर के लिए जो एवरेज का फार्मूला होता है करंट का यानी एवरेज करंट का फार्मूला वो होता है टू अंडर रूट टू अपॉन पाए इंटू आई आर एम एस ओके ये फार्मूला जो है इस फार्मूले को आप बहुत अच्छे से याद करिए क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू टू हंडर उपन पाए इंटू आई आर एम एस यहाँ पर आई एवरेज का मतलब है औसत बर की की कीमत आधे चक्कर के लिए और आई आर एम एस जो है वो रूट मीन स्क्र वैल्यू है करंट की ओके चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर अगला जो सवाल है सवाल नंबर सात वो है अगर मुतबादी ली एम एफ़ की आज़म कीमत यानी पीक वैल्यू पंद्रह ओल्ट हो और आधे चक हो तो आधे चक्कर के दौरान उसकी औसत कीमत मालूम कीजिए आप याद रखिए औसत कीमत अगर पूरे चक्कर के लिए बोली जाए किसी प्रॉब्लम के अंदर तो बगैर कैलकुलेशन के उसका आंसर ज़ीरो आता है पूरे चक्कर के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए अगर पूछ लिया जाए तो जवाब जीरो आएगा औसत कीमत का लेकिन आधे चक्कर के लिए अगर है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा आप देखो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है ई जीरो इज ईक्वल टू पंद्रह ओल्ट और आपको ई एवरेज मालूम करना है हाफ साइकिल के लिए अब फार्मूला यूज़ करेंगे तो ई एवरेज हाफ़ साइकिल के लिए होता है टू अंडर उप ऑन पाए इन टू ई ई आर एम एस अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दो वैल्यूज uh, पुट करो मतलब एक्चुअली आपको यहाँ पर पहले आर एम एस का फार्मूला यूज़ करना है आप याद रखो ये जो ई आर एम एस है इसकी वैल्यू होती है ई ज़ीरो बाय रूट टू ई ज़ीरो मतलब पीक वैल्यू आज़म कीमत तो ये जो फार्मूला है ई आर एम एस इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन अंडर रूट टू ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है आगे के सेक्शन के अंदर हम इसका डेरिवेशन भी देखने वाले हैं ओके तो बहर हाल ये वैल्यू उसमें हमने रख दिए लाकर ई आर एम एस की अब इसमें ई ज़ीरो मतलब इसके अंदर आप ई जीरो की वैल्यू जो है इसको सॉल्व करना शुरू करो आप देखो क्या होगा सबसे पहले तो अंडर रूट टू से अंडर वोट टू कट गया और फिर ये हो जाएगा टू टाइम्स ई ज़ीरो अपॉन पाए ई ज़ीरो की वैल्यू रख दो पंद्रह तो पंद्रह दोनों तीस जब आप तीस को पाए की वैल्यू यानी थ्री पॉइंट वन फोर टू से डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा नाइन पॉइंट फाइव फोर एट वन ओल्ट तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर हमारा एक नंबर वाला जो सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो कम्प्लीट हो गए ओके अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप वन वाले क्वेश्चंस पर यानी जो दो नंबर वाले जो सवाल होते हैं उनकी तरफ आप देखिए इसमें सबसे पहला जो सवाल आपको दिया हुआ है वो है मुतबादिल एम की औसत कीमत क्या होती है उसके लिए फकर अखज़ कीजिए अब मुतबादिल एम की औसत कीमत तो आप लोग देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया तो बताया था वो चीज़ कि जब हम उतबादिलकर वेव वेव फॉर्म बनाते हैं जैसा हमने इससे पहले भी बनाए थे तो वेव फॉर्म बनाते टाइम पर उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता इस अंदाज़ में उसमें आधा हिस्सा पॉजिटिव होता है और आधा हिस्सा निगेटिव और ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेम होती है यानी जितनी ही पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी उतनी ही निगेटिव वैल्यूज़ भी होती है इसलिए जब आप उनका एवरेज निकालने के लिए जब टोटल करते हैं तो ऑल पॉज़िटिव वैल्यूज़ एंड ऑल नगेटिव वैल्यूज़ आपस में मिलकर ज़ीरो हो जाते तो इसलिए औसत कीमत ज़ीरो आ जाती तो यहाँ पर आप देखिए मुतबादिल एम एफ़ की पहले निसफ़ चक्कर में मुबित वैल्यूज़ होती हैं और दूसरे निसफ़ चक्कर के अंदर मनफ़ी इसलिए जब उन सब का औसत निकालते हैं तो उसका जवाब ज़ीरो आ जाता इसका मतलब मुतबादिल एम एफ़ की औसत कीमत जो है वो ज़ीरो है तो आप यहाँ पर ये यह फार्मूला याद रखिए ई एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए ज़ीरो होता है ओके okay, अब यहाँ पर हमको आधे साइकिल के लिए अगर हम उसको करते हैं तो आधे साइकिल के लिए हम उसको इस तरह से करेंगे ई एवरेज इज इक्वल टू हाफ साइकिल यानी ई एवरेज हाफ साइकिल के लिए वो आ जाएगा आ, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा इन टू ई ज़ीरो आप देखिए एक्चुअली ये जो अलामत है इसे साइन थीटा की औसत कीमत कहते हैं यानी ये इस तरह के अगर ब्रैकेट इस तरह का अगर कोई ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिखी है जैसे मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ये इस तरह के ब्रैकेट के अंदर थीटा तो इसका मतलब होता है एवरेज वैल्यू ऑफ थीटा ओके तो यहाँ पर आप याद रखिए कि इस तरीके से साइन थीटा की आपको औसत कीमत लेना है अब औसत कीमत अगर लेना है तो औसत कीमत के लिए पहले आपको साइन थीटा की तमाम कीमतों को लेना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा तमाम वैल्यूज़ के टोटल से तो यहाँ पर हम उसी लिए टोटल करने के लिए इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे आप देखिए इसमें जब आप साइन थीटा की औसत कीमत निकालने वाले हैं और वो भी आधे साइकिल के लिए तो इसमें जो आपको आ, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा ज़ीरो से लेकर आधा साइकल यानी पाए तक कंप्लीट साइकिल ज़ीरो से लेकर टू पाए तक होता है याद रखो इसलिए आधे साइकिल में ले रहे हैं तो जीरो से पाए तक आएगा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन ले लिया डिवाइडेड बाय क्योंकि टोटल कीमतें लेना है इसलिए डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी थीटा लेंगे तो इंटीग्रेशन डी थीटा की भी वैल्यूज़ वैसी चाहेगी चलो अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करो आप देखो इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा और इंटीग्रेशन डी थीटा होता है थीटा तो इस तरह से इंटीग्रेशन साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस कॉस थीटा और इंटीग्रेशन डी थीटा की अगर भी थीटा ले लिए इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं जीरो से पाए तक चलो और आगे बढ़ाते हैं इसको अब आप एक काम करेंगे माइनस कॉस थीटा थीटा की जगह पर पहले अपर लिमिट रखो तो वो आ जाएगा कॉस पाए फिर माइनस करो और थीटा की जगह पर लोअर लिमिट रखो ज़ाहिर है माइनस कॉस जीरो हो जाएगा तो माइनस और माइनस तो बीच में प्लस आ जाएगा इस तरह से बीच में प्लस आ गया वो हाल नीचे होगा थीटा की जगह पर पहले पाए रख दिए फिर माइनस करके थीटा की जगह पर ज़ीरो ले लिए अब आप देखो कॉस पाए यहाँ पर इस चीज़ को आप एक बार समझ लो आप देखो इसमें यहाँ पर ये जो नंबर आप देख रहे हो कॉस पाए कॉस पाए की वैल्यू माइनस वन होती है और यहाँ ये यह माइनस आइन बाहर पहले से है तो इसके साथ में एक माइनस और आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन इसका मतलब हो जाएगा प्लस वन और कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है तो वन प्लस वन हो गया ओके तो इस तरह से ये आ गया वन प्लस वन अपॉन में नीचे पाए माइनस ज़ीरो पाए तो वन प्लस वन यानी टू तो टू अपॉन पाए इन टू ई जीरो अब आप देखो यहाँ पर ये जो फार्मूला जो आपके सामने दिख रहा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हाफ़ साइकिल के लिए ई एवरेज हाफ़ साइकिल के लिए होता है टू अपॉन पाए इंटू ई ई ज़ीरो ओके ई सफिक्स ज़ीरो अब अगर आपने टू को पाए से मतलब थ्री पॉइंट वन फोर टू से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको नंबर ये वाला मिलेगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन तो ज़ीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन जो है मल्टीप्लाइड बाय ई ज़ीरो इस तरह से आपका ये फार्मूला इस तरीके से बनेगा मतलब इसमें जो ई एवरेज हाफ साइकिल की वैल्यू आपको मिली वो है ज़ीरो पॉइंट सिक्स सेवन थ्री ई जीरो ओके इतना आपको इसको सॉल्व करना है चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर सवाल नंबर दो है मुतकावियत इस इसला की वजाहत कीजिए एक मुसलसल एल सी आर बरकी दौर की मत के लिए ज़ब्ता लिखिए आ, ओके आप देखो मुतकावियत के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया था इम्पिडेंस जो है वो एक ऐसी मज़ाहमत है जो एल सी आर सर्किट यानी मुतबादिल बरकी बरकी दौर जो हमारे पास होता है यानी ए सी सर्किट हमारे पास जो है उस ए सी सर्किट के अंदर एल सी आर ये तीनों मिला कर तीनों मिला कर ये लोग जो ओवरऑल मज़ामत पैदा करते हैं उसे मुतकावियत कहते हैं ओके तो आप उसका फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी भी बरकी दौर के अंदर आ, एल सी और आर इन तीनों की तरफ से मिला जुला जो महासिल मज़ामत जो या रुकावट जो पैदा होती है उसे मुतकावियत कहते हैं एक तरीका उसका यह हो गया और दूसरा तरीक़ा जो है वो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि किसी भी एल सी या किसी भी ए सी सर्किट के अंदर ई एम एफ़ की जो आर एम एस कीमत है उसको अगर गुजरने वाले बरकी रो की आर एम एस कीमत के साथ तनासब ले लिया जाए तो वो तनासब जो है वो एक मस्किल नंबर मिलेगा उसे हम मतकवियत कहते हैं अब मुतकावियत जो है वो तीन लोगों पे डिपेंड करती है आर पर एल पर और सी पर तो आर जो मज़ामत है वो तो खुद ही मज़ामत है जो एल है यानी इंडक्टर जो होता है वो एक मज़ामत पैदा करेगा जिसका नाम है अमाली मतमलीत जिसको को एक्स एल कहते हैं और कैपेसिटर जो है वो एक मज़ामत पैदा करेगा जिसको बोलते हैं मकसफ़ी मतमलीत जिसको एक्स सी कहते हैं तो इस तरह से मतामलीत का जो आ, मुतकावियत का जो फार्मूला है यानी इम्पीडेंस का फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से होगा z इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्ससी का स्क्यर ओके तो यहाँ पर आप एक्स एल और एक्ससी की वैल्यूज़ याद रखिए एक्स एल को हम कहेंगे माली मतामलीत और एक्सी को कहेंगे मकसफ़ी मतामलीत तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर दो यहाँ कम्प्लीट हो गया चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर तीन पर सवाल नंबर तीन है एल सी आर मुतबादल मुसलसल गुमक बरकी दौर यानि सीरीज़ रेजोना सर्किट की कोई दो खसूसयात लिखी है ओके तो अब आप देखो सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल जितनी भी खसूसियात होंगी वो सब लिख लेंगे यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पर टोटल मिलाकर पाँच खसूसियात लिखी हुई हैं पाँच में से पहली खासियत ये है कि ये जो बरकी दौर होता है एल सी आर सीरीज़ सर्किट इसमें गुमक की हालत उस वक्त मिलती है जब एक्सेल और एक्सी इक्वल होते हैं तो पहली खासियत तो यही हो गई कि गुमक उस वक्त मिलेगा जब एक्सेल इक्वल टू एक्सी होगा नंबर टू दूसरी खासियत इस पर्टिकुलर सर्किट की गुमक तवार यानि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है उसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू या एफ आर इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी ओके इसके बाद तीसरा फार्मूला तीसरी खासियत आप याद रखिए वो ये है कि आपको गुमक की हालत उस वक्त मिलेगी जब मुतकावियत यानी एम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी और इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू जो है वो आर होती है यानी जेड इक्वल टू आर क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उनका वो जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है इसलिए ए जेड की वैल्यू आर आ जाती इसकी चौथी खासियत यह है कि गुमक की हालत उस वक्त पैदा होगी जब भी गुमक की हालत पैदा होती है उस वक्त करंट आज़म हो जाता यानी करंट की जो कीमत है वो मैक्सिमम हो जाती या फिर आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो जाता यानी आउटपुट भी इसमें इस मैक्सिमम हो जाएगा अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है अगर आउटपुट मैक्सिमम हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो कि गुमक तवातर है उसको इसने मुंतब किया है उसको इसने सिलेक्ट किया है इस सर्किट ने और क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया है मैक्सिमम आउटपुट के वास्ते इसका मतलब हम इस सर्किट को सिलेक्टर सर्किट कह सकते हैं ओके यानी इसका काम देखकर ये तमाम फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा कर, एक को छोड़कर एक को सिलेक्ट करेगा बाकी सबको रिजेक्ट करेगा क्योंकि इसने एक को सिलेक्ट किया है इसलिए ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर सर्किट है और इसकी इसी खासियत की वजह से हम लोग इसको रेडियो में और टेलीविज़न सेट में इसको यूज़ करते हैं एज ए ट्यूनर सर्किट के ट्यूनर सर्किट का काम होता है तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को अलग कर देना रिजेक्ट कर देना और एक को सिलेक्ट करना क्योंकि हम रेडियो में या टीवी में एट ए टाइम एक ही चीज़ को देखना या सुनना पसंद करेंगे बराबर है आ, तो ये इसकी कुछ ख़ासियतें हैं इनमें से आपको कोई दो याद रखना है सवाल नंबर चार है एल सी आर मुतबादिल मुसलसल गुमक बरकी दौर के लिए गुमक के लिए आ, मतलब सीरीज़ रेजोनल सर्किट के लिए बरकी रो की बरकी रो की गुमक के लिए दर्ज झैल की कीमतें क्या होती हैं इन्हें आपको ये कीमतें इनकी बताना है मतामलीत की और मुतकावियत की ओके करंट रेजोनेंस की हालत के लिए तो देखिए सबसे पहले पहले हम रिएक्टेंस uh, की बात कर लेते आप याद रखिए रिएक्टेंस जो है वो दो लोगों की वजह से होता है एक होता है एल की वजह से और एक होता है सी की वजह से लेकिन जब हम गुमक की बात करते हैं रेजोनेंस की बात करते हैं तो उस वक्त ये दोनों मतामलीत सेम हो सेम हो जाते हैं यानि अमाली मतामलीत और मकसफ़ी मतामलीत दोनों कैपेसिटि रिएक्टन्स और इंडक्टिव रिएक्टन्स दोनों सेम हो जाते हैं तो एक्स इक्वल टू एक्सी होगा और जाहिर है जब आप एक्सएल इक्वल टू एक्सी लेंगे तो रेजोनस की हालत के लिए एक्स एल माइनस एक्सी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगी ओके तो यहाँ पर आपको उसका जवाब लिखना पड़ेगा कि गुमक की हालत में इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए एक्स एल माइनस एक्सी की वैल्यू ज़ीरो होती है अब देखना है कि मुदकावियत क्या होगी तो ये ऑलरेडी हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि मुद जो है वो जीरो वो मिनिमम हो जाएगी और मिनिमम आर होती है तो हम उसको इस तरह से करेंगे यानी उसका रीज आपको एक्सप्लेनेशन भी अब यहाँ समझ में आ जाएगा आप देखो इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए घुमक की हालत तो उस वक्त मिलती है जब z की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का स्क्यर अब एक्सेल और एक्सी दोनों सेम हैं तो एक्सेल माइनस एक्सी विल बी जीरो तो वो गायब हो गया तो जेड इजी टू आ गया अंडर रूट आर स्क्र अब अंडर रूट में आर का स्क्वायर है तो उसको बाहर निकाल लो तो जाएगा z इक्वल टू आर ओके ये था हमारा सवाल नंबर चार चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर पाँच पर सवाल नंबर पाँच है कि एक एल सी आर मुतबादिल मुसलसल गुमकबर की दौर है जिसमें मज़ामत टेन ओहम है और मतमलीत सेवन अंडर रूट उ है उसकी मुतकावीत मालूम करना है यानी ऊपर वाले सवाल से ही ये जुड़ा हुआ है आप लोग देखो इसमें क्या चीज़ दी गई है सबसे पहले तो लिख लो पहली चीज़ आर की वैल्यू है टेन ओहम और एक्स एल माइनस एक्सी की वैल्यू है सेवन अंडर रूट टू ओ हम जेड मालूम करना है फॉर्मूला यूज़ करो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का स्क्वायर इसमें आर की जगह पे टेन ले सकते हैं और एक्सल माइनस एक्सी की जगह पर सेवन अंडर रूट टू चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं योजा जेड इज ईक्ल टू अंडर रूट टेन का स्क्वायर होगा हंड्रेड और सेवन अंडर रूट टू का स्क्वायर होगा सेवन का होगा फोर्टी नाइन और अंडर रूट टू का स्क्वायर होगा टू ओके फिर 49 नाइन इंटू टू होगा 98 एट हो जाएगा अंडर रूट वन नाइन्टी एट और अंडर रूट वन एट का मतलब होता है 14.071 पॉइंट जीरो सेवन वन तो Z की वैल्यू इतनी आ जाएगी ओके चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल पर सवाल नंबर छः एक कॉइल की मज़ाहमा टेन ओहम है उसकी अमालियत वन हंड्रेड मिली हेनरी है और उसमें एक मतगैर मकसफ़ा भी जोड़ा गया है इस बर की दौर में एक मम्बा लगाया गया जो कि बीस ओल्ड का पचास अर्ज़ का ए सी है मकसफ़े की कौन सी कीमत के लिए गुमक वाक होगा ओके okay. आप देखो इस तरह के सवालों में ये पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है यानी यहाँ पर आप देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसमें ये वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 20 वोल्ट उसकी ई दे दिए और साथ में 50 हर्ट दिया है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ओके okay. तो चलिए शुरू करते हैं इसको देखिए किस तरह से करेंगे सबसे पहले जवाब में दिया हुआ है कि आर बराबर टेनओह हम एल बराबर हंड्रेड मिली हेनरी मिली नहीं चलेगा तो मिली को चेंज कर लिए टेन का पावर माइनस थ्री आ गया अब हंड्रेड को टेन के पावर माइनस थ्री के साथ अगर एडजस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा वन अवाइंट टेन वन अवाइंट टेन मतलब जीरो पॉइंट वन हैंनरी ई एम एफ बीस ओल्ट है फ्रीक्वेंसी पचास है अब आप देखो गुमक आपको उस वक्त मिलेगा जब फ्रीक्वेंसी यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सर्किट की रेजोना फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तो एफ इक्वल टू एफ आर लेना पड़ेगा अब अगर आपने एफ ईक्ल टू एफ आर ले लिया तो एफ आर का फार्मूला रख दो एफ आर का फार्मूला है वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी अब हमको सी मालूम करना है और वो अंडर रूट में है इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड को तो यहाँ पर हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर डाले एफ स्क्वायर इज ईक्वल टू वन अपन टू पाई का स्क्वायर हो जाएगा फोर पाए स्क्वेयर और अंडर रूट एल सी का स्क्वायर हो जाएगा एल सी अब आप सी को उधर भेज कर एफ स्क्वेयर को इधर ला लो तो फार्मूला आपको इस तरह से मिल गया सी इक्वल टू वन अपन अंडर रूट सॉरी वन अपॉन फोर स्क्वायर एल इन् एफ़ स्क्वायर अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ये हो जाएगा सी इज़ इक्ल टू वन अपन फोर पास्क्वेयर की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट सेवन इंटू एल की वैल्यू है जीरो पॉइंट वन और एफ़ की वैल्यू है पचास क्योंकि वो आपको सोर्स में दिया गया था ओके चलो और आगे बढ़ाते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी इज़ इक्ल टू वन अपन नीचे के तमाम नंबरों को अगर सॉल्व किए वाएगा थ्री पॉइंट नाइन फोर एट इंटू टू फाइव डबल ज़ीरो इन नीचे वाले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा सी इज़ इक्वल टू वन अपॉन नाइन एट सेवन ज़ीरो और जाहिर है जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन थ्री फेरेड अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट को उठा कर आप यहाँ ला सकते हो इस जगह पर छः डिजिट के आगे जब आप इसको छः डिजिट के आगे लाओगे तो टेन का पावर माइनस सिक्स हो जाएगा और टेन का पावर माइनस सिक्स का मतलब माइक्रो होता है इसलिए हम यहाँ पर माइक्रो फेरेड लिख सकते हैं यानी फाइनल आंसर आएगा वन जीरो वन पॉइंट थ्री माइक्रो फेरेड ओके ये था हमारा छठा सवाल चलिए अब चलते हैं हमारे सातवें सवाल की तरफ सातवा सवाल है एक सौ दस आर एम एस और साथ में सिक्सटी हर्ट्स कीमत के मंबे के साथ एक कॉइल और एक मकसफ़े मुसलसल तरतीबे में जोड़े गए हैं कॉइल की अमाल जीरो पॉइंट एट जीरो हेनरी है और उसकी मज़ाहमत पचास वोम है मकसफ़े की गुंजाइश आठ माइक्रोफेरेड है इस बर की दौर में मौजूद बर की रो की कीमत मालूम करना है चलो आप देखो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी हुई है साठ हर्ट्स वो जो सोर्स के साथ में दिया हुआ है ई आर एम एस दिया हुआ है एक सौ दस एल है जीरो पॉइंट एट जीरो हेनरी और आर है पचास वहम सी जो है वो दिया हुआ है एट माइक्रोफेरेड तो माइक्रो हटाएंगे तो टेन का पावर माइनस सिक्स आ जाएगा आपको आई आर एम एस मालूम करना है आ, ये काफ़ी बड़ा सवाल है एक्चुअली ये सवाल तीन नंबर वाला होना चाहिए था लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन बैंक में दो नंबर के लिए दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ भी दिया हुआ है वहाँ उसको आपको सॉल्व करना है आ, देखो इस सवाल के अंदर आपको तीन बार कैलकुलेशन करने पड़ेंगे पहली बार एक्सेल के लिए दूसरी बार एक्सी के लिए और तीसरी बार जेड के लिए जब जेड आ जाएगा तो फिर बाद में आपका आंसर आई आर एम एस का आंसर जो है वो मिल जाएगा चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए तो इस इंडक्टर की जो यह अमाली आमाली होगी वो कुछ इस तरह से होगी एक्सेल इज इक्वल टू टू पाए एफ एल इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो एक्स एल इज इक्वल टू आएगा टू पाए की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू एफ़ की वैल्यू साठ और एल की वैल्यू जीरो पॉइंट एट इन नंबरों को जब आप हल करोगे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आंसर आएगा एक्सेल इज ईक्ल टू थ्री जीरो वन पॉइंट सिक्स थ्री ओ हम ओके हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी आमाली मतामलीत अब हमको लेना है मकसफ़ी मतामलीत मकसफ़ी मुतामलियत का फार्मूला आप याद रखो फार्मूला कुछ इस तरह से है एक्सी इज़ इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एफ सी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वन अपॉन टू पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू एफ़ की वैल्यू साठ और सी की वैल्यू एट इंटू टेन का पावर माइनस सिक्स टेन के पावर माइनस सिक्स को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा टेन का पावर प्लस सिक्स और नीचे वाले तमाम नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इन तीनों इन चारों नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका जवाब आएगा थ्री जीरो वन सिक्स पॉइंट थ्री टू अब टेन का पावर सिक्स का मतलब है दस लाख यानी एक के आगे छः जीरो उस नंबर को अगर आप थ्री पॉइंट थ्री ज़ीरो वन सिक्स पॉइंट थ्री टू से डिवाइड करते हैं तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा थ्री थ्री वन पॉइंट फाइव थ्री ओ हम ओके हमने सेकेंड स्टेप आ गई हमारी अब थर्ड स्टेप के अंदर हम मुद यानी एम्पीडेंस मालूम करेंगे एम्पीडेंस के लिए फार्मूला होता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी पूरे ब्रैकेट का स्क्यर इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो तो आर की वैल्यू है फिफ्टी एक्सेल की वैल्यू है तीन सौ एक आशारिया छः तीन और एक्सी की वैल्यू है तीन सौ इकतीस आशारिया पाँच तीन ये सब वैल्यूज़ इसमें पुट कर दिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा जेड इज टू फिफ्टी का स्क्वेयर होगा टू फाइव डबल ज़ीरो प्लस तीन सौ एक में से तीन सौ इकतीस आपको माइनस करना है तो आंसर आएगा माइनस ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन का स्क्वायर। लेकिन याद रखो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन का जब स्क्वायर करोगे वो आएगा पॉजिटिव एट नाइन फोर पॉइंट जीरो वन ओके तो इस तरह से आपको Z की वैल्यू मिली अंडर रूट में टू फाइव डबल जीरो प्लस एट नाइन फोर पॉइंट जीरो वन इन दो नंबरों को ऐड कर लो तो यह आएगा जेड टू अंडर रूट डबल थ्री नाइन फोर पॉइंट ज़ीरो वन और स्क्वेयर रूट में इस नंबर की वो जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा Z इज़ ईक्ल टू फिफ्टी एट पॉइंट टू फाइव एट ओह ओके ये हमने Z मालूम कर लिया तो आप देखो पहले स्टेप में हमने XL मालूम करे थे फिर XC मालूम करे फिर Z मालूम कर लिए अब हमको करंट मालूम करना है तो उसके लिए हम ओहम का कानून यूज़ करेंगे आप सबको मालूम है ओहम का जो कानून है एक्चुअली वो कानून होता है वी इज़ इक्वल टू आई आर तो यहाँ पर वी की जगह पर ई e है और आर की जगह पर जेड है ओके आर एम एस वैल्यूज हमको लेना है चलो ठीक है देखो क्या होगा ई आर एम एस ईक्ल टू आई आर एम एस इंटू जेड आई आर एम एस निकालना है इसलिए जेड को शिफ्ट करेंगे उधर तो ई आर एम एस अपॉन जेड वैल्यूज पुट कर दो याद आएगा आई आर एम एस ईजल टू ई आर एम एस की वैल्यू है एक सौ दस और जेड हमने मालूम करे थे वो आया था फ़िफ्टी एट पॉइंट टू फाइव एट जब आप एक सौ दस को फिफ्टी एट पॉइंट टू फाइव एट से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा वन पॉइंट एट 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 एमपियर तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ओके चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर अगला जो सवाल हमारे पास है सवाल नंबर आठ वो है एक जीरो आशरिया पाँच माइक्रोफेरेट कीमत के मकसफ़े को टेन मिली हंडी अमलागर से डिस्चार्ज किया गया इस डिस्चार्ज की तो मालूम कीजिए ओके चलो देखो आपको दिया हुआ है सी की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट फाइव माइक्रोफेरेट अब जीरो पॉइंट फाइव को हम माइक्रो को कन्वर्ट कर लेंगे तो टेन का पावर माइनस सिक्स होगा और पॉइंट फाइव का पॉइंट हटा लेंगे तो माइनस वन और आ जाएगा तो माइनस सेवन इसलिए सी की वैल्यू आ गई पाँच हज़ार दस की क़ुआत तो वज़ा सात फेरिड एल दिया हुआ है टेन मिली हेनरी तो मिली हटा लेंगे तो टेन का पावर माइनस थ्री आ गया अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज़ करो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू तो आ गया वन पॉइंट टू पाए अंडर रूट एल सी इसमें हर एक की वैल्यू पुट करेंगे तो टू इंटू पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू एल की वैल्यू पाँच अरब दस की कोतव सात और सी की वैल्यू दस ज़रब दस की कोतव तीन ओके आप देखो अंडर रूट के अंदर पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो वन अपॉन टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर टू का आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट टू एट फोर और अंडर रूट में पाँच और दस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देखो ये पाँच और ये दस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पचास और टेन का पावर माइनस सेवन और माइनस थ्री हो जाएगा माइनस टेन ओके अब इन नंबरों को रूट से बाहर निकालो ये हो जाएगा वन अपॉन सिक्स पॉइंट टू एट फोर इंटू अंडर रूट पचास जो है उसकी वैल्यू होती है सेवन पॉइंट जीरो सेवन वन टेन का पावर माइनस टेन को रूट से निकालेंगे तो टेन का पावर माइनस फ़ाइव आधा हो जाएगा ओके अब टेन का पावर माइनस फाइव को ऊपर शिफ्ट करो तो प्लस फाइव तो टेन का पावर प्लस फाइव अपॉन नीचे वाले इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई किए तो आंसर आएगा फोर्टी फोर पॉइंट फोर थ्री फोर टेन का पावर फाइव का मतलब है एक लाख यानी एक के आगे पाँच जीरो इस नंबर को जब आप फोर्टी फोर पॉइंट फोर थ्री से डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा टू टू फाइव ज़ीरो हर्ड्स अब इस नंबर में अगर आपने तीन डिजिट के आगे मतलब टू पॉइंट टू फाइव ज़ीरो इंटू टेन का पावर थ्री लेना पड़ेगा टेन का पावर थ्री यानी एक हज़ार एक हज़ार यानी किलो इस तरह से आप इसको किलो हर्ड्स में लिख सकते हैं तो इसका आंसर आएगा टू पॉइंट टू फाइव किलो हर्ड्स ओके चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर अगला जो सवाल है सवाल नंबर नौ वो ये है एक मकसफ़े की गुंजाइश पाँच माइक्रोफेरेट है इसकी मकसफ़ी मतमलीत मालूम कीजिए अगर उसकी तवातिर ये हो ए है पचास हर्ड्स और बी है ट्वेंटी किलो हर्ड्स ओके अब देखो बहुत ही आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आ, सी की वैल्यू है पाँच माइक्रोफेरेट माइक्रो हटा लो टेन का पावर माइनस सिक्स आ जाएगा साथ में आपको एक सी मालूम करना है तो चलो इसको दो मरतबा हमको सॉल्व करना पड़ेगा पहली हालत में हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे पचास हर्डस तो एक्सी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा वन आ टू पाई एफ सी इसमें एक्सी इक्वल टू आएगा वन पॉइंट टू पाए पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू एफ आपको पचास दिया हुआ है तो पचास और सी आपको दी गई थी पाँच अरफ़ दस की कोई वजह अच्छे फेरेट चलो नीचे वाले नंबरों को सॉल्व कर लिए टेन का पावर माइनस सिक्स को ऊपर शिफ्ट करें तो हो जाएगा टेन का पावर प्लस सिक्स और नीचे वाले तमाम नंबरों को अगर आप हल करते हैं तो बन जाएगा पंद्रह सौ इकहत्तर अब टेन का पावर सिक्स का मतलब है दस लाख यानी एक के आगे छः जीरो उसको अगर आप पंद्रह इकहत्तर से डिवाइड करते हैं तो आपको जवाब मिलेगा सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट फाइव फोर ओहम यानि उस मकसफ़े की जो मुतामलियत है मकसफ़ी मुतामलियत या मज़ाहमत, वो छः सौ छत्तीस आशरिया पाँच चार ओह है आप दूसरी कंडीशन लेते हैं दूसरी कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंसी लेना है बीस किलो हर्ड्स तो चलो एक्सी का तो फार्मूला वही रहेगा वन पॉइंट टू सी वैल्यूसपूट uh, करें तो टू इंटू पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर टू अब एफ लेना है आपको बीस किलो हर्ट्स बीस किलो का मतलब रहेगा बीस ज़रब एक हज़ार एक हज़ार इन्हें दस की कुत तीन ले सकते हैं आप लोग उसको ओके तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी ले ली है बीस ज़रब एक हज़ार ज़रब सी की वैल्यू है पाँच ज़रब दस की कुत तो वज़ा छः अब आप नीचे देखो नीचे एक हज़ार है एक हज़ार को का मतलब होगा दस का तीन दस का जो कुत है वो प्लस थ्री और उसको टेन के पावर माइनस सिक्स में मिलाएंगे तो टेन का पावर माइनस थ्री हो जाएगा इस माइनस टेन के पावर माइनस थ्री को ऊपर शिफ्ट करेंगे वो जाएगा टेन का पावर प्लस थ्री डिवाइडेड बाय नीचे वाले सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा सिक्स टू एट पॉइंट फोर अब ऊपर टेन का पावर थ्री है यानी एक हज़ार एक हज़ार को आपको डिवाइड करना है छः सौ अट्ठाईस चार से जैसे आप इनको डिवाइड करेंगे आपका आंसर मिलेगा वन पॉइंट फाइव नाइन वन ओके यहाँ पर हमारे दो नंबर वाले तमाम सवाल जो है वो अब हल हो गए तो इस तरह से आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक नंबर वाले तमाम क्वेश्चंस और दो नंबर वाले तमाम शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन थे उन सब को हमने सॉल्व कर लिए इन अगले लेक्चर में हम तीन नंबर वाले और चार नंबर वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे तब तक आप स्टडी करते रहिए अल्लाह हाफिज़